गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं अपना नया ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं और शबनम जा रहे हैं हडिम्बा माता के मंदिर, जो कि मनाली में, आप सभी को पता ही होगा। जिनको पता नहीं है तो उनको बता देती हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए, फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ, शबनम अभी तैयार हो रही है। रुकिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको शर्म इतनी आती है कि बेहिसाब, क्या करें। नई दुल्हन है, भी इतनी नहीं शर्माती जितनी ये शर्माती है। तो गाइस, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, आपने जैसा कि देख ही लिया होगा, शबनम भी तैयार हो रही है। तो थोड़ी ही देर में हम दोनों निकलेंगे हडिम्बा माता के मंदिर की ओर। ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा गाइस। तो हम अभी तैयार हो चुके हैं और हम अभी निकल रहे हैं रूम से। तो चलिए चलते हैं। शबनम तब से तैयार हो रही है, अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। कब से वेट कर रही हूँ मैं इसका, कम से कम एक घंटा हो गया। दो तो इसने टॉप चेंज कर लिए, देख लीजिए, पहले कुछ और पहना था, अब कुछ और पहना है। बुरी हाल है इस लड़की, ये देखो कितना वेट कराएगी, कितना वेट कराएगी। बस हो गया, चल फिर चले जा। सामने सेब के पेड़ में, ये देखिए सेब के पेड़ में फूल आ गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, तो हम निकल चुके हैं मंदिर की ओर। आज हम आपको हडिम्बा माता के मंदिर के दर्शन करवाएंगे और खुद भी करेंगे। अच्छी बात ये है कि आज दूसरा नवरात्रा भी है, तो आज हम मंदिर जा रहे हैं। तो गाइस, आप सबको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए, सुनसान गलिया, कोई नहीं जा रहा आज दर्शन के लिए। शायद दो हैं सच्चे भगत जो इतने दूर से आए हैं स्पेशली, हाँ, दर्शन के लिए। चलो अच्छी बात है, आज नवरात्रि के दिन दर्शन हो जाएंगे, आप सभी को भी दर्शन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। हाँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, हम दो और नहीं। तो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं, 5 या 10 मिनट लगेंगे अभी। दो मिनट में आए, सामने तो मंदिर है। आखिरकार हम पहुंच ही गए आज। हाँ, पहुंच गए माता के मंदिर। हम बड़े ही आराम आराम से आए, वीडियो बनाते बनाते फोटो भी खींचे, रील्स भी बनाई। अब आखिरकार हम पहुंच गए, आप सभी को दर्शन करवाते हैं मंदिर के। शायद अंदर तो कैमरा नहीं ले जा सकते, अंदर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे, पर बाहर से मंदिर आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं गाइस। इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो चलिए, ये है हडिम्बा माता का मंदिर। तो गाइस देखिए, जो आप पीछे देख रहे हैं ये मंदिर है। अभी पूरा तो नहीं दिख रहा है, पर आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताती हूँ। ये मंदिर 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने बनाया था,
और ये मंदिर पूरा का पूरा पैगोडा शैली का बना हुआ है, तो आपको इसके करीब से दर्शन करवाती हूँ। तो चलिए, देखिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं मंदिर के। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, सभी फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं और हम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, इसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा, सामने बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हमारे आगे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, तो हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं दर्शन के लिए। माता वन क्या है। तो गाइस हम आ चुके हैं दर्शन करके, ये देखिए टीके भी लग चुके हैं, टीके भी लग चुके हैं। कैसा फील हो रहा है दर्शन करने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे सुकून, बिकॉज मैं आज तक गई नहीं अंदर। शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और हमने प्रसाद का पूरा पैकेट ही थमा दिया मेरे हाथ में, मुझे लगा मुझे दे रहे प्रसाद। तो गाइस दर्शन तो हमने कर लिए हैं, प्रसाद भी हमें मिल चुका है, और आगे का कुछ खास प्लान नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। देखते हैं आगे क्या क्या होता है और आपको भी बताते रहेंगे। ये देखिए पीछे मंदिर, चल चल आगे जा, आगे जा, आगे जाके पूरा दिखेगा। इतनी स्पीड में का दिखेगा, मैंने लगा इतना कैमरा। तो गाइस आज दूसरा नवरात्रा है, तो यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, सभी भजन गा रहे हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ, मैसेज देखो। हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी करवा लिए हैं, तो यहाँ पे भी हमने घूम लिया है। तो इसके बाद हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मॉल। हाँ वहाँ भूख, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, आपको भी उतर चुकी हैं हमारी, तो माल रोड, आपको भी माल रोड के दर्शन करवाते हैं कि माल रोड में कैसा माहौल है अभी। चलिए चलते हैं। बकरी बकरू है ये, अपनी भेड़ली पानी रुक है। ये देखिए क्लोई ड्रेस में पंजाब की। गाइस हम बहुत बोर हो चुके हैं, खासकर मैं, क्योंकि ना ही मेरी वीडियो अच्छी बनी है ना ही फोटो अच्छे आए, क्या करूँ दुखद परिस्थिति। मेरे हाल में कुछ ऐसी है, मेरा भी कुछ खास वीडियो नहीं बनी, एक वीडियो भी मेरी अच्छी नहीं बनी, एक भी नहीं बनी है ठीक वीडियो। फोटोज तो चलो दो चार ठीक आ गए हैं, बाकी देखते हैं। अभी फिलहाल हम मॉल रोड जा रहे हैं,
कुछ खा पी लेते ताकि हमें एनर्जी बनी रहे। चलिए गाइस, एक खुशखबरी है, हमें गोलगप्पे वाला वो मिल गया है। हमें बहुत दिनों से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया, हमें यहीं पे अभी गोलगप्पे वाला दिख रहा है, तो आज हम गोलगप्पे खाएंगे। तो चलिए चल, हमें अपनी प्लेट मिल गई है। चुप कर आइस, इसको धोना वाला तो चलाक है तू। नहीं देखिए, दिखने में बोली सी सूरत है पर चलाक है बहुत ज्यादा, खड़े खड़े बंदों को हैंग कर दे। तो देखिए पूनम जी पहला गोलगप्पा मुंह में डाल गया है। कैसे हो रहा आपके? ठीक है, ठीक ठाक थे, संतुष्टि हो गई बहुत दिनों बाद ना। तो गाइस हम माल रोड पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी बड़ी दोपहर का टाइम है और बहुत ज़्यादा धूप है, पर है कुछ लोग जो घूम रहे हैं अभी। चलिए दिखाती हूँ थोड़ा पूरा नज़ारा आपको, थोड़ा पूरा जितना भी है उतना दिखा लेती हूँ। खूबसूरत हसीना भाई साहब ये वाला यहाँ पे भंडारा हलवा चने मिल रहे हैं। चल 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 मांग तो। देखिए पूनम हो चुकी है लाइन में खड़ी। तो देखिए पूनम आ चुकी है इसे इतनी भूख लग लो। अब हम जगह देख रहे हैं हम कहाँ पे बैठेंगे, तो हमें फाइनली मिल चुका है, बट यहाँ पे बहुत दूर है। कहाँ जा रही है ये अलग ही सस्ती। ये है पहला बाइट गॉड ब्लेस्ड का तो गाइस एक बात बताऊं तो हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसमें बादाम पड़े हुए हैं हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, देसी घी से बनाया, लगता है देसी घी से बनाया है ना, और कुछ टेस्टी है। इसको खाने के बाद मिलते हैं दोबारा से कच्चा बादाम। इतना सब घूमने के बाद हमें एक और चीज़ दिखी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती थी ये हमारे स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। तो गाइस जो आप देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट मंदिर है, छोटा सा बहुत प्यारा, ये देखिए। तो गाइस हमने पूरा मनाली बहुत ज़्यादा घूम लिया है और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं दोनों, सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, क्या करना इसके बाद, प्रस्थान करना रूम की ओर।
मोमोज खाएंगे अभी। हाँ अभी कुछ खा लेते हैं, प्रसाद और गोलगप्पे से हमारा मन नहीं भरा अभी, तो अभी हम कुछ और खाने की सोच रहे हैं, तो चल फिर खा लेते जाके। तो फिर हम चलते हैं खाते पीते कुछ, फिर जाएंगे रूम ना, क्योंकि यार अब बहुत ज़्यादा थक गए हम ना, इधर उधर सारे में घूम लिया हमने। सो गाइस टाइम आ चुका है कुछ ठंडा और मीठा खाने का, तो हम दो बेचारे थके हारे बंदे अभी बस से उतरे, क्योंकि चला तो हम उधर जाता ही नहीं, चला देखिए पागलपंती। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम, मतलब थोड़ी दूर है रूम, थोड़ा ये देखिए गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं रूम, आज कुछ ज़्यादा ही थक गए, आज हमने पूरा मनाली घूमा है, इधर उधर हर जगह गए हैं, पर वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाई हर जगह की, ब्लॉग बस कुछ कुछ जगहों में बनाया है जो मुझे लगता था देखने लायक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।